जी मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, 7 बजे के बाद मैं मंडी जाता हूँ, मंडी से फिर घर पे आलू आलू उबालना पड़ता है और सब्जी जो भी बनती है वो हर दिन वो जो बनता है वो उबालना पड़ता है। फिर मैं 8 बजे दुकान पे आता हूँ, झाड़ू वगैरह लगाता हूँ, साफ़ सफाई करता हूँ, साफ सफाई करने के बाद पानी भरने जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं 11 घर वापस आता हूँ, मार्केट से सामान लेता हूँ किराने का, 11:30 बजे कटिंग करता हूँ सब्जी की और सब्जी रोज़ यहाँ पे फ्रेश बनाता हूँ मैं और डेली और 12:30 बजे से और रात को 10 बजे तक स्टार्ट दुकान चलती है। मेहनत से पीछे मत हटो और बड़ा छोटा काम कुछ मत देखो, सिर्फ मेहनत करते रहो, मेहनत आपकी रंग लाएगी। ये देखिए सर, ये हमारे चुलबुल भैया का अलग ही स्टाइल है ये तेल डालने का, उड़ा उड़ा के तेल डालते हैं ये, बढ़िया तेल उड़ा उड़ा के डालते हैं, बिल्कुल बढ़िया से। मेरा कस्टमर भी बहुत सारे ऐसे कि एक पराठे की जगह वो 3-4 पराठे अकेले भी खा लेता है और सामने दो तीन जने को लेके भी आता है। मेरे को भी बोलते हैं कस्टमर, जैसे पुराने कस्टमर, मैंने आज इनको लेके आए, इनको लेके आए, उनका प्रेम है, वो लेके आते जरूर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आमची इंदौर चैनल में। और दोस्तों आज मैं आपको चुलबुल पराठा सेंटर के पास ले चलूंगी, जहाँ पे जो हमारे चुलबुल भैया हैं वो अलग अलग तरीके के पराठे खिलाते हैं और साथ में सब्जी भी देते हैं। मतलब 20 रुपये में आपको आलू पराठा मिल जाएगा और उसके साथ में भैया सब्जी और अचार रायता वगैरह ये सब कुछ देते हैं, तो काफ़ी अच्छा है भैया और काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रहे हैं। 2011 से इन्होंने स्टार्ट किया और अभी तक भैया अच्छा टेस्ट खिला रहे हैं। और मुझे याद है दोस्तों, जब मैं 2011 में जब यहाँ पे अपनी स्टडी कर रही थी तो उस टाइम ये बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने लगाते थे भैया, एक छोटा सा इनका टेबल पे सेटअप था और वहाँ पे मैंने इनका पराठा खाया था। जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो सामने ही भैया का पराठा खाने जाती थी, तो तब भी बहुत टेस्टी था और तब भैया 10 रुपये में देते थे और आज भैया आलू का पराठा 20 में देते हैं, पर टेस्ट इनका बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों इनका पूरी स्टोरी दिखाती हूँ और भैया और अपना उनकी जो वाइफ है मैडम, तो दोनों जन मिलके इतनी मेहनत कर रहे हैं और बढ़िया तरीके के अलग अलग तरीके के पराठे खिला रहे हैं। चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको लेकर चलते हैं चुलबुल पराठा सेंटर पर। जी मैं खरगोन का रहने वाला हूँ और मैं अपने इंदौर में आया था 2000 में आया था। तो मैं अपने पहले दूसरे के यहाँ नौकरी करता था, मैं दूसरे के यहाँ नौकरी करने के बाद फिर मैंने कुछ काम सीखा, पहले समोसे कचौरी बनाता था, समोसे कचौरी बनाया, फिर मैंने दुकान, फिर मैंने यहाँ पे बॉम्बे हॉस्पिटल रहना चालू करा था तो लोगों को देखने लग गया कि दुकानदारी बहुत बहुत दूर से मतलब आने लग गए, तो मेरा भी मन हुआ कि दुकान डालूँ मैं। फिर मैंने 2011 में पराठे की चालू करी थी, तो पहले मैं सब्जी अचार प्याज देता हूँ और क्या नाम है, फिर धीरे धीरे मैंने 10 रुपये पराठे स्टार्ट करा था। 10 रुपये के देने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे मेरी दुकान जमने लगी, व्यवहार से प्रेम भाव से खिलाया मैंने सब्जी चाय। 10 रुपये एक पराठे में 10 रुपये का देता था 2011 में, तो चाहे कितना भी मतलब ले, सब्जी देने के लिए मना नहीं करता था अच्छे से। फिर धीरे धीरे मैंने 15 का करा रेट, 2014 में मैंने 15 रुपये का रेट करा, फिर सब्जी और बढ़ाता गया। फिर धीरे धीरे शेष और मैंने हमने संभाला, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। अब क्या सब्जी बनेगी इसमें? जी इसमें सब्जी बनेगी, आज चाय की सब्जी बन, आज आलू मटर की सब्जी है, आज आलू मटर की सब्जी। और मतलब डेली आप चेंज करते रहते हैं? जी बिल्कुल डेली चेंज करते हैं, कभी चावले की सब्जी, कभी भी छोले की सब्जी। अच्छा हाँ, वो दाल कड़ी वगैरह भी रहती है? और हर शनिवार के दिन कड़ी बनती है। कड़ी भी बनती है? जी हर शनिवार कड़ी बनती है। और फिर मैंने वहाँ पे लॉकडाउन के बाद में, फिर वहाँ से बॉम्बे एक्सप्रेस से दुकान खाली करने के बाद फिर मैंने इधर आया सन सिटी के सामने, HDFC बैंक के पास में हूँ, वहाँ पे मैंने चालू करा। वहाँ पे मेरे को 1 महीने दिक्कत आई थी, फिर मेरे सारे मेरे जितने फ्रेंड ग्राहक हैं, मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरे को सब कॉन्टेक्ट किया था, तो मैंने धीरे धीरे फिर सबको पता चलने लग गया, फिर सब आने लग गए। वैसे के वैसे ही हो गया मेरी दुकानदारी, जैसे पहले बॉम्बे एक्सप्रेस पर चलती थी, आज भी वैसे ही है भगवान की दुआ से। अब सब मसाले डालेंगे, ये मिर्ची है अपनी वाली मिर्ची है, ये हल्दी, सॉरी हल्दी हल्दी, एक पुष्प की मिर्ची, मिर्च हाँ, अपन पुष्प के वाला कोई सी मिर्ची नहीं डालते। अच्छा हाँ, लोकल चीज नमक नहीं डालते, टाटा या तो सही है। हाँ टाटा क्या वाला कोई सा भी नमक नहीं डाला। हाँ
कलर आ गया, अभी और अच्छे कलर आएगा। ये टमाटर आ गया, ये टमाटर आ गया। ये मटर, ये मटर है, इसको थोड़ा सा मसक के थोड़ा सा गाढ़ा पाना जाता है, ब्लेंड करते हैं। गाढ़ा को ग्रेवी में, ग्रेवी में गाढ़ा पाना जाता है, कस्तूरी में। मंडे के दिन राजमा की सब्जी देता हूँ और मंगलवार के दिन चावले की सब्जी देता हूँ, बुधवार के दिन आलू देसी चने की सब्जी देता हूँ, गुरुवार के दिन आलू मटर की सब्जी देता हूँ, शुक्रवार के दिन छोले देता हूँ, शनिवार के दिन कढ़ी बनाता हूँ, संडे स्पेशल कुछ भी हो जाता है, जैसे आलू मटर पनीर की सब्जी हो गई या फिर कुछ भी बन जाता है स्पेशल, कुछ भी बना लेते हैं। दोस्तों ये भैया का एड्रेस मैं बताता हूँ, ये देखिए महालक्ष्मी नगर है, ये बॉम्बे हॉस्पिटल वाला रोड है, ये तुलसी नगर के लिए जाता है, तो इधर बीच में ही आपको ये देखिए HDFC बैंक है, उसके बगल में खाली प्लॉट है, वहाँ पे भैया दिख जाएंगे चुलबुल पराठा के नाम से। ये देखिए बगल में कर्णावत वाला स्टॉल है और ये चुलबुल पराठा, और ये भैया का टाइमिंग है, इधर आपको 12 बजे से भैया पराठे मिल जाएंगे कि सुबह? 12 बजे से रात में 10 बजे तक, रात में 10 बजे तक आपको मिल जाएंगे। और पराठे अपने आलू के पराठे हैं, गोभी का पराठा है, सेव का पराठा है, प्याज का पराठा है, पनीर का पराठा है, मेथी का पराठा है और मिक्स वेज पराठा है सारे। जी मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, 7 बजे के बाद मैं मंडी जाता हूँ, मंडी से फिर घर पे आलू आलू उबालना पड़ता है और सब्जी जो भी बनती है वो हर दिन वो जो बनता है वो उबालना पड़ता है। फिर मैं 8 बजे दुकान पे आता हूँ, झाड़ू वगैरह लगाता हूँ, साफ़ सफाई करता हूँ, साफ़ सफाई करने के बाद पानी भरने जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं 11 घर वापस आता हूँ, मार्केट से सामान लेता हूँ किराने का, फिर मैं घर पे जाके नहाने के बाद फिर मैं दुकान पे 11 बजे आता हूँ, 11:30 बजे कटिंग करता हूँ सब्जी की, और सब्जी रोज़ यहाँ पे फ्रेश बनाता हूँ मैं और डेली, और 12:30 बजे से और रात को 10 बजे तक स्टार्ट दुकान चलती है। ये बढ़िया बन रही है, ये बढ़िया खराब आ गई है जी, बिल्कुल अभी ये पहचान है कि बढ़िया सब्जी बन गई है आप जी, बिल्कुल जी। देखो खुशी तो भाई कस्टमर के ऊपर है कि कितना खाएगा वो, कितना नहीं खाएगा, तो कस्टमर के उनका प्रेम है, तो कस्टमर खुद ही बोलते चुलबुल भाई पराठे में मज़ा आता है। मैं मेरे पराठे की खुद की तारीफ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कस्टमर के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि अच्छा बना कि नहीं बना, भाई वो उनका प्रेम है और कुछ नहीं। पहला तो खैर भोग भगवान को ही लगता है जी, पहला भोग भगवान को ही लगता है। ये मैं सेव का मसाला बना रहा हूँ, इंदौर की जान है ये जी, इंदौर की जान है, महावीर सेव है, महावीर सेव, महावीर सेव है। अच्छा इसमें ग्रेवी भी डल जाती है। हाँ। अच्छा थोड़ा सा गीलापन आ जाता है, गीलापन आ जाता है थोड़ा, वो भरने में हाँ आसानी हो जाती है। लोग तो आप ही लोग कर सकते हो, मतलब पराठे चालू हो अपने जी। मेरा कस्टमर भी बहुत सारे ऐसे कि एक पराठे की जगह वो 3-4 पराठे अकेले भी खा लेता है और सामने दो तीन जने को लेके भी आता है। मेरे को भी बोलते हैं कस्टमर, जैसे पुराने कस्टमर, मैंने आज इनको लेके आए, इनको लेके आए, वो उनके ऊपर है, मतलब उनका प्रेम है, वो लेके आते जरूर है, पर एक आदमी 3 या 4 पराठे तो जरूर खाता है मेरे यहाँ।
जी हुनर तो बहुत है मेरा, मैं तो अगर आज यहाँ पे भगवान की दया खाली प्लॉट में हूँ, आज मैं दूसरी जगह भी करूँगा तो यही मेहनत करूँगा और यही मेहनत हमेशा करते आऊँगा, और आज मेरे छोरे को भी ये मेहनत सिखाऊंगा। और मैं तो मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, चाहे यहाँ करूँ चाहे कहीं पर भी करूँ, मेहनत तो जरूर करूँगा। मेरा नाम क्या दुकान का थोड़ा हटके, हाँ, आपने कभी और करा होगा तो इंदौर से, इंदौर है कि नहीं? सही बात है। अरे वो क्या पहली पिक्चर देखी थी ना दबंग? अच्छा उसी से समझ गया था मैं, समझ गया होगा हाँ। चुलबुल का कीड़ा काटा है आपको भी। ये गोभी का मसाला है, ये गोभी का है, मतलब गोभी के आलू के सेव के चलते रहते हैं जी, आलू गोभी सेव ये ज्यादा चलते हैं। मेन तो क्या आपका ये आलू तेल डालने का जो स्टाइल है ना वो अलग ही कातिल है वो तो है। क्या ये देखिए साथ में, ये हमारे चुलबुल भैया का अलग ही स्टाइल है ये तेल डालने का, थोड़ा उड़ा के तेल डालते हैं ये बढ़िया। ये ऐसा कोई भी नहीं करता होगा है जी? नहीं। क्या हो? बहुत छोटे बच्चों को क्या, देखो मैं सबको यही बोलता हूँ भाई, मेहनत सबसे पहले रंग लाएगी और मेहनत करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, चाहे छोटा हो या बड़ा काम हो, मेहनत से पीछे मत हटो और बड़ा छोटा काम कुछ मत देखो, सिर्फ मेहनत करते रहो, मेहनत आपकी रंग लाएगी। मतलब 50 रुपये में आप बिल्कुल इंसान को भरपेट भोजन दे देते हो है? जी बिल्कुल, दो पराठे खा ले बढ़िया, दो पराठे खा ले और सब्जी तो है ही साथ में फ्री, सब्जी है अचार है प्याज है। अच्छा ये प्लेन पराठे बन रहे हैं, प्लेन पराठे कितने का देते हैं? 30 के दो, 30 के दो। तेल उड़ा उड़ा के डालते हैं बिल्कुल बढ़िया से, मतलब भरपूर तेल की मात्रा डालते हो आप हैं? किसी को कम लगता है तो कम दे देते हैं। अच्छा, और बाकी अपने हिसाब से बनाते हैं अपन। बहुत पराठे का मतलब क्या है, थोड़ा पराठे का मज़ा नहीं आया तो कैसा है? तेल तो जाना चाहिए, तेल तो जाना है, पराठे का तेल ही से मतलब है। अब देख सकते हो कि पराठे कैसे बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो साथियों ये देखिए हमारे चुलबुल भैया के प्रसिद्ध पराठे 2011 से दे रहे हैं और लगभग उनको 12-13 साल हो गए, पहले बॉम्बे हॉस्पिटल के चौराहे पे देते थे, काफ़ी ज़्यादा लोग सभी लोग जानते होंगे, और लॉकडाउन के बाद अभी उधर क्या किसी ने प्लॉट पे मकान बना लिए तो अब इधर आ गए हैं अंदर तुलसी नगर वाले रोड पे, SDFC बैंक है महालक्ष्मी नगर का, उसके ठीक बगल में ये प्लॉट है, आपको दूर से ही दिख जाएगा, और बगल में कर्णावत पान भंडार है, और बढ़िया गर्म गर्म पराठे बनाते हैं, वो सब्जी आपने देखा कितना टेम्पटिंग लग रही है, पूरी रेसिपी आपने देखी हाथों हाथ इधर आपके सामने बनाते हैं,
और डेली चेंज होती है। ₹20 में आप देखिए कितना बड़ा पराठा है, मतलब आपका ऑलमोस्ट उससे काम हो जाएगा। एक पराठा लेंगे ₹20 में, सब्जी साथ में फ्री है, अचार सलाद वगैरह मिलेगा, तो आई एम श्योर मतलब आपको अखरेगा नहीं ये। वाकई में बहुत टेस्टी है साथियों पराठा। और भैया का जो चुलबुल भैया का जो तेल डालने का स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक है, तो आप लोग भी आइएगा। इसकी एड्रेस और जीपीएस लोकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ आइए और यहाँ पे बढ़िया से पराठे खाइए। सादा पराठा मिल जाएगा, आलू पराठा मिल जाएगा, गोभी पराठा मिल जाएगा, सेव पराठा मिल जाएगा, और प्याज पराठे मिल जाएंगे, और मेथी पराठा सीजन के हिसाब से पनीर पराठा मिल जाएगा। और हमारे चुलबुल भैया से इनसे मिलके जाइएगा, बढ़िया बातें करते हैं और प्रेम से खिलाते हैं। तो साथियों मिलते हैं आमची इंदौर के अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा, एक दूसरे की मदद करते रहिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कंटेंट बताते जाइएगा, ताकि हम भी आएँ, कंटेंट बनाएं और सभी को इंस्पायर कर सकें। तो ध्यान रखिएगा एक दूसरे का, टेक केयर एंड बाय बाय।